कृष्णा राधे राधे किशन दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गाना जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ निर्जला एकादशी को लेकर। जो कमेंट आ रहे थे कि आप भी बताइए कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, कब होता है ये व्रत, ठीक है जी। तो पहले तो सभी एकादशियाँ समान होती है, किसी में कोई भेद नहीं होता। आप जो एकादशी का फास्ट है किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शुक्ल पक्ष से करना है कि कृष्ण पक्ष से करना है। आप एकादशी का जो व्रत होता है वो कोई भी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की। जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष, अब जो है शुक्ल पक्ष आता है निर्जला एकादशी का व्रत। सब व्रतों में उत्तम है एकादशी व्रत। तो निर्जला एकादशी का महत्व क्यों इतना बताया गया है, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, ठीक है जी। तो निर्जला एकादशी, जिसका नाम ही निर्जल है, यानी कि बिना जल के, निर्जल यानी बिना जल के, क्योंकि और जो हम और भी एकादशियों का फास्ट रखते हैं उसमें हम जल पी लेते हैं, भोजन भी खा लेते हैं, मतलब फलाहार, भोजन का मतलब अन्न का नहीं, फलाहार जो हम ले लेते हैं। लेकिन ये जो व्रत है निर्जल व्रत में, इसमें अन्न जल बिल्कुल न खाते हैं न पीते हैं, ठीक है जी। ये आपको कैसे करना है, क्या दान करना है, क्या नियम है, वो मैं जो नॉर्मल भाषा में आपको बताऊंगी। कहने का मतलब ये कि आसान तरीके से बताऊंगी, ठीक है जी। पहले तो कोशिश करिए कि आप ये व्रत निर्जल ही रख पाएं, क्योंकि इसका महत्व ऐसा है। अगर आप भी 12 महीने की 24 एकादशी होती है, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एकमात्र निर्जला एकादशी अगर आप फास्ट रखते हैं, तो आपको सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनंत गुना फल होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको क्या करना है निर्जल व्रत करने से पहले, जैसे एकादशी मानो कल है, तो दशमी की रात को ही आपको भोजन नहीं खाना है, चावल तो बिल्कुल नहीं खाने, ठीक है। आपको अगले दिन जब एकादशी लग गई है निर्जला एकादशी, आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, जब मतलब कि सूर्य उदय ना हो, अंधेरा हो, उठना है, तब तक आप जल पी सकते हैं। 4 बजे तक मतलब सूर्य नहीं हो रहा है तब आप जल पी लीजिए। सूर्य उदय से अगले दिन द्वादशी को सूर्य उदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। मतलब आपको मैं शुरू से समझाती हूँ, दशमी की रात को आपको खाना नहीं खाना, चावल नहीं खाने, एकादशी को आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो। अगर गंगा जल नहीं है तो मन में आप हाथ जोड़ लीजिए, गंगा हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके जल से हम स्नान करते हैं, गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। मतलब बाल्टी में अगर आप 2 बूंद भी गंगा जल डालते हैं तो आप पूरी बाल्टी आप भर देंगे तो गंगा जल ही कहलाता है। तो इस तरह से आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं बिना अन्न जल के, तो हाथ में संकल्प लीजिए, फूल लीजिए या तुलसी पत्ता लीजिए, तिल लीजिए, थोड़ा सा जल डालिए, संकल्प करिए कि अपने नाम लीजिए, आपको गोत्र का पता है, अपने तो आप गोत्र का एक बच्चों को कई बार नहीं वो पता होता तो अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। आप अपने नाम, अपने गोत्र का नाम लेके संकल्प करिए कि हे प्रभु, हे नारायण भगवान जी, विष्णु भगवान जी की पूजा होती है इस व्रत में, तो उनका ध्यान करते हुए कि हम निर्जल व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत स्वीकार करें और हमें इतनी हिम्मत दे, सामर्थ्य दें कि हम आपका व्रत अच्छे से पूर्ण कर सकें। तो आप उनके श्री चरणों में वो जल अर्पित कर दीजिए, मतलब नीचे इस तरह से आप संकल्प लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आप स्नान वगैरह भगवान जी को कराते हैं सब करा लीजिए, लड्डू गोपाल को आप, मतलब मेन है विष्णु भगवान जी की, नारायण भगवान जी की ही पूजा होगी इसमें, चाहे या फिर आप लड्डू गोपाल की भी कर सकते हैं, शालिग्राम जी की भी कर सकते हैं, विष्णु जी की तो होती है। पूरे दिन भजन कीर्तन आप सुन सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं, माला जब जितना हो सके उतना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं, जितना हो जाए उतना जाप करिए। इस दिन ठंडी चीज़ों का ही वितरण करिए और वो ही हम भोग लगाएंगे, जैसे फल चल रहे हैं हम ठंडे, जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, आम हैं, खीरे हैं, और ठंडाई चल रही है आजकल, कई तरह की ठंडाई होती है, वो जल जितना आप मीठा जल या किसी को भी नॉर्मली जल भी बांटते हैं तो ज़रूर से करिए। गर्मियां हैं वैसे भी जल तो सबको पिलाना ही चाहिए, लेकिन इस दिन महत्व बहुत ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करिए जितना आप दान कर सकें, ठीक है जी। इस तरह से आप करेंगे। रात को आप अगर जाग सकते हैं तो जागरण जरूर करिए,
जागरण का मतलब ये, अगर आप सब परिवार मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है बैठ के, नहीं तो आप स्वयं से भी अभिषेक भी कर सकते हैं, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का, तुलसी के पत्ते तोड़ के या जो फूल होते हैं उनकी कलियां, तो ओम श्री नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस तरह से आप उनका मतलब अभिषेक कर सकते हैं पुष्पों से, तुलसी पत्ते से, पंचामृत से और नॉर्मल जल से भी, ठीक है। आप पूरी रात इस तरह से करेंगे, आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जल व्रत करिए। फिर आपको अगले दिन क्या करना है, आपने पूरे दिन पूरी रात निर्जल रहे, अन्न जल कुछ खिलाने करा, दान करा, प्याऊ लगवाए, प्याऊ पानी पिलाया सबको, वो अच्छा काम किए, ठीक है। द्वादशी को आपको क्या करना है, सूर्य उदय होने पर ही, जैसे सूर्य उदय होए तो आप ब्राह्मण को जरूर से भोजन कराएं। अगर आपके घर ब्राह्मण आ जाते हैं भोजन खाने, इससे बड़ा तो कोई पुण्य नहीं है। अगर ये होता है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कर पा रहे हैं कुछ नहीं, तो आप जैसे उनके भोजन का जो आप खिलाने वाले हैं उनका पैकेट बना लीजिए, वो भी आप मंदिर में जाके दक्षिणा के सहित पंडित जी को दे सकते हैं। तो उसके बाद ही आप जल पिएंगे, जब आप पंडित जी को जिमाएंगे या फिर दान करेंगे। चावल का दान और चावल का खान उस दिन बहुत महत्वपूर्ण है द्वादशी को। एकादशी को तो चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका निर्जला एकादशी का व्रत होगा, सूर्य उदय से नेक्स्ट डे द्वादशी को सूर्य उदय तक व्रत होगा, जल नहीं पियेंगे आप सूर्य उदय को होने पर, ठीक है। जब आप जिमा देंगे पंडित जी को, उसके बाद ही जल ग्रहण करेंगे, तो ये आपका निर्जल व्रत होगा। अब आ जाते हैं कि जो ये व्रत नहीं कर पा रहे निर्जल, जैसे आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे निर्जल व्रत का मतलब होगी कि एक तरह से गर्मी इतनी है कि हमारी तपस्या है कि हम पानी पी पा रहे हैं नहीं पी पा रहे, तो हम इस तपस्या में सफल हो गए तो वाह वाह है, नहीं तो भगवान तो भावना देखता ही है कि हम कितनी उनकी सेवा कर रहे हैं। जो ये व्रत नहीं कर पाते, जैसे निर्जला हम पूरे दिन नहीं रह पा रहे, निर्जल खा नहीं पा रहे, मतलब खाए बिना नहीं रह पा रहे, पिए बिना नहीं रह पा रहे, तो आप हाथ जोड़ के नॉर्मल जैसे आप फास्ट करते हैं एकादशी का जल पीते हुए, या फिर एक टाइम फलाहार करते हुए, वैसे भी कर सकते हैं। जिसकी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जैसे आजकल शरीर सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। फिर नॉर्मल करें तो आपको पूरी एकादशी करनी चाहिए। प्रश्न आता है अगर हमें पीरियड हो जाए तो हम ये व्रत कैसे करें, ये लेडीज़ की बहुत बड़ी प्रकृति का नियम है, इसे प्रॉब्लम तो कह नहीं सकते खैर, लेकिन ये है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि व्रत आप कर सकते हैं, व्रत को मनाही नहीं है, लेकिन आपको भगवान को छूना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना वो नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर वालों से उनको भोग लगवा सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता तो आप मानसिक रूप से कि हे प्रभु मैं आपको माखन मिश्री भोग लगा रही हूँ, हे प्रभु मैं आपको ये जल का भोग लगा रही हूँ, हे प्रभु ये स्वीकार करो वो स्वीकार करो जो व्रत में होता है, अब मैं आपकी आरती कर रही हूँ। अभी मानसिक अंदर से कल्पना करते हुए हम उनका व्रत कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो इस तरह से जो हमें प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, आप उनके व्रत जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने निर्जला एकादशी की आपको क्लियर कर दी हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको निर्जला एकादशी को क्या करना है। और एकादशी को भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी छोटी सी कथा मैं आपको बता देती हूँ कि जब पांचों पांडव वेदव्यास जी के आश्रम में गए, उन्होंने बोला कि हम सब एकादशी का व्रत करते हैं और भीम जी तो व्रत नहीं करते हैं, तो हमारी माता भी करती है, हम चारों भाई भी करते हैं, लेकिन इनको कहें ये भी व्रत करें तो आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तब भीमसेन से पूछा तो उन्होंने बोला कि वेदव्यास जी मेरे को ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं भूखा नहीं रह सकता, तो मैं इसलिए व्रत नहीं करता। मैं तो एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता, तो पूरा दिन मैं कैसे रहूँगा, तो या तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे पूरी की पूरी 12 महीने की एकादशी ना करनी पड़े, खाली कुछ ऐसा बताइए कि मेरा एक पूरा सब एकादशी फल एक में मिल जाए। तो तब वेदव्यास जी ने बोला था कि आप निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है, निर्जला एकादशी का व्रत किए, और जब आप प्रभु का नाम सुनने में खोए रहेंगे सारा दिन, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। तो भीमसेन ने यही सब नियम अपनाए, उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना, और पूरा दिन भगवान जी का ध्यान स्मरण करते रहे, उनका व्रत पूरा हो गया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। चलिए जी, मैंने आपको एक कथा भी बता दी। तो जय श्री राधे।
तो आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे मेरी कुछ ये बातें। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर करना ताकि सबको पता चले कि भाई काशी को क्या करें क्या ना करें। जय श्री राधे।